भाई इसमें स्टैंड कर रहे हैं, ये बाइक सुपर बाइक है। कमल भाई अपने, कमल भाई ये क्या हो रहा है? अरे भेजड़ी की, अरे गिर गई गिर गई। बाघ, अरे बाघ 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 बाघ, अरे बाघ 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 बाघ। दादी 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 गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करो आप लोग स्वस्थ होनाला, मस्त होनाला और जाला होनाला, व्यस्त होनाला। तो दादी आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया जाए, और कुमाऊनी संस्कृति अपनी उसे भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। और इसी के साथ अभी मॉर्निंग सुबह के 7 बज चुके हैं और लगभग धूप आ चुकी है ऊपरी एरिया में लगभग, और अभी ठंड काफ़ी है क्योंकि कल बारिश हुई थी तो उस वजह से ठंड ज़्यादा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से और शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। ओके, तो दोस्तों देखिए ऊपर के लगभग सभी एरिया में धूप आ चुकी है अभी, और सूर्यदेव भी निकल चुके हैं पूरे। और सबसे पहले मैं सूर्यदेव से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हे भगवान आज के दिन मेरे देश का कोई भी जवान शहीद ना हो। ओके, तो यहाँ से देखिए काफ़ी प्यारा नज़ारा आ रहा है, और सामने है उधर छोटा कैलाश है, वो वहाँ पर हम जा चुके हैं, वीडियो मैंने बनाया देख सकते हैं आप। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले अभी नाश्ता किया जाए। नाश्ते में क्या क्या देख सकते हैं, ये है बिना आलू की सब्ज़ी और रोटी, इसमें दही है। तो अभी मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद देन आगे का प्रोसेस क्या होता है देख। दोस्तों फाइनली नाश्ता हो चुका है मेरा, अभी मैं जा रहा हूँ पहाड़ी बाखली की ओर, और उसके बाद मैं खा रहा हूँ घूते, काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं। तो उसके बाद जानवर बाहर निकालने, धूप आई है, कल तो बारिश थी दिन भर। तो अभी मैं जा रहा हूँ, और पीछे आ रहे हैं अपने पवन भाई, ये हैं अपने। हेलो मॉर्निंग मॉर्निंग गुड। पवन भाई को आप जानते होंगे, तो ठीक है अभी मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपना काम कर लिया, और अभी मैं खा रहा हूँ शरबत, और ये है अपनी कौली। क्या नाम है तेरा? किचन का नाम किसे पता चला? किरण है उसका नाम, और उसका नाम है रेनू, वैसे हम इसको भूरी कहते हैं, भूरी। ठीक है, अभी छिलिया अभी खा रहा हूँ, इसके ये वाला पार्ट्स खाते हैं ये। काफी टेस्टी हो रहा है, और काफी टेस्टी हो रहा है, ये हंस न रहा है कौन रहे, और धूप में बैठ के खाने में तो अलग ही आनंद आता है। तो दोस्तों फाइनली शरबत भी खा लिया और काम भी हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत में, प्याज के लिए क्यारी बना रखी है उनको सही करना है, पहले बना चुका हूँ, अभी उनको थोड़ा प्लेन करना है, मिट्टी बराबर करनी है। ओके, तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं पहुँच चुका हूँ खेत में, और पहले मैंने पहले ही बना चुका था क्यारियाँ, लेकिन ऊपर नीचे है ना समतल नहीं है, तो इनको बराबर करता हूँ, देन उसके बाद घर को निकलता हूँ। ओके, और आज फिर से मौसम बादलों से भर गया, लगता है आज फिर बरसने वाला है मौसम, इसलिए मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने आधी क्यारियाँ प्लेन कर दी, और आधी बाद में करूँगा क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो गया और भूख भी लग रही ना, और अभी काम नहीं हो पाएगा। और मौसम भी देख सकते हैं काफ़ी डेंजर हो रहा है, आज बारिश भी हो सकती है शाम तक लग रहा है। तो अभी मैं भी निकलता हूँ घर। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बजे हैं, और मैं आया हूँ नीचे के एरिया में, सवाड़ा बोलते हैं यहाँ, मेरे घर से नीचे दिखता है, दिखाता हूँ आपको। ये है जैसे गाँव में तोक होते हैं ना, एक गाँव होता है उसमें तोक होते हैं, तो ये है सुयाल फेर तोक हमारे गाँव का। और मैं इधर आया था त्यौहार देने, मतलब जो लोग त्यौहार नहीं मनाते उनको त्यौहार देते। तो अभी तक हो रही थी बारिश, और अभी लगभग बारिश बंद है, हल्की बूंदाबांदी हो रही, और ऊपरी एरिया में हल्की बर्फबारी भी हुई है, इधर साइड आप देख सकते हैं ये हल्की हल्की बर्फबारी दिख रही, और लगता है अभी और बरस सकता है मौसम, क्योंकि मौसम अभी ख़तरनाक ही है, क्लियर नहीं हुआ, जब तक बर्फबारी नहीं होगी तब तक लग रहा है मौसम साफ नहीं होगा। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ, और चढ़ाई है ऊपर को, तो थकान टाइप की हो रही, उतनी नहीं हो रही बट नॉर्मली सांस फूल रही क्योंकि पूरी चढ़ाई है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे गांव में, कल परसों में शादी है वहाँ पे जाता हूँ गांव में, जैसे लोग हेल्प करने के लिए जाते हैं ना एक दूसरे की, जैसे बर्तन वगैरह लाना हो गया, या भट्टी वगैरह चूल्हा लगाना हो गया, या टेंट का सामान, इस साइड तरफ से जो भी छोटी मोटी हेल्प होती है उनको करने के लिए गाँव वाले, जैसे एक दूसरे के वहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो तब हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। तो अभी मैं फ्री हूँ,
तो मैं भी जा रहा हूँ। ओके वहीं पे मिलता हूँ आपको। अभी मैं पहुँच गया जहाँ पे शादी है, और अभी मेरे आने से पहले यहाँ पे बट्टी चूल्हा लग चुका है, बट्टी खुद चुकी हैं दो, और नीचे टेंट का सामान भी आ गया, टेंट का सामान उतर रहा है। तो अभी लगभग काम ख़त्म हो चुका है, अब कल ही होगा काम जो भी होगा। ओके और अभी मौसम लगभग साफ़ हो चुका है आधा, और कुछ बादल इस साइड में रहे हैं, और बढ़िया लग रहा है, ठंडा हो रहा है हल्का, लेकिन कम हो गया उससे ज़्यादा। और ये ऊपर है अपने राधे सर, जिनने आपको उस दिन गाना सुनाया था। ओके अभी दिखाते हैं आके क्या होता। तो अभी हम दोबारा से जा रहे हैं टेंट का सामान लेने, और ये सारे लौंडे भी मजे करने आगे। और ऐसे ही पहाड़ों में लौंडे मोटे हर रोज चिल करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए लोकेशन पे, यहाँ से ले जाना है और सामान और लौंडे। यहाँ पे एक बाइक है पुरानी, ये क्लास का ही नहीं, क्या करें, ये भाई की बाइक है, बहुत सुपर बाइक है इसकी, ये सुपर बाइक भाई इसमें स्टैंड कर रहे हैं, ये बाइक सुपर बाइक है। कमल भाई अपने, कमल भाई ये क्या हो रहा है? अरे गिर गई। अभी यहाँ से और माल लोड हो रहा है, ये स्पीकर लोड हो रहे हैं, और अंदर से और माल है काफी, दरी है और टेंट का सामान है इस तरफ से, वाइट ठंडी वगैरह, और अभी लोड हो रहा है सेकंड माल। तो अभी लोड हो रहा है माल, और सामने से रोडवेज बस भी आ गई है, रोडवेज बस, अभी पास देना पड़ेगा बस को। रोडवेज बस निकल गई, पास मिल गया उसको, स्पीकर पहले लोड हो चुके हैं, फिर पाइप लोड करने। फाइनली सामान पैक हो गया, हम निकल गए, और ये हैं अपने मुकेम्बा साहब का मल। कर क्या रहा गाइस, हम जा रहे हैं बबियार, हमारे पास सर डीजे यार, क्या कहते हैं इनको, संजय जी डीजे बेस, डीजे बेस, डीजे बेस वाले ये बजाएंगे हम, और यहां पे बेस पड़ा है, डीजे इतना बजता भाई, भाई, भाई रोड पे बजते हैं रोड पे, और कलों का नाइन डांस। हां ये पाइप से फूटा जाएगा सबको भाई। देखो गाइस अभी हमें बबियार से 3 किलोमीटर पीछे, और काफी रात हो चुकी है, देख सकते हैं मौसम, आप लोग मौसम देखो बहुत डरावना है, दिख भी नहीं रहा, तो इसलिए फ्लैश पर देखो, ये भाग 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 और काफी यहाँ जंगल का एरिया है, अभी तो ज्यादा रात है, डर भी रहता भाग भाग आने का, भाग अरे भाग 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 अरे भाग 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 अरे भाग 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 बाघ, और हमारी फटी होगी चार गाली बिल्कुल नहीं देंगे, और हम आए हैं इसके देर में बहुत सुनसान के देर में, सी हवा चल रही है और सबकी फटी हो रही है चार, और आप सामने दूर पहाड़ पे देख रहे हैं कड़क हो चुके हैं, जैसे पापड़ जैसे कड़क हाथ हो चुके हैं, और जो ये हमारे यहाँ गांव में सारे हुए हल्ला हल्ला कर देना, हल्ला नहीं हल्ला हल्ला कैमरा तो ऑन नहीं है, मुझे पता है ऑन है, ऑन है भाई, बढ़िया मक्खी मर जाएंगे, 1 मिलियन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे गाड़ी में भाग रहे हैं, चलो आप जैसा आपके आपको पता है बाघ 130-140 स्पीड में दौड़ता है, यहाँ गाड़ी बहुत अच्छी दौड़ रही है, और आपसे आगे पहुँच गया है, और बाघ बाघ ऊपर, अरे बाघ 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 और काफी चिल कर रहे लौटे, फुल एंजॉय, इनको सालों में एक या दो ही शादियां मिलती है, मिलती साल में एक दो शादियां, स्टाइल बाबा स्टाइल, और ये सारे लौटे चिल कर रहे हैं, आगे से गाड़ी और आगे से गाड़ी, आगे गाड़ी आती है, गाड़ी जड़ती है भैया, मलके बाग छ भलके, मलके बाग छ भलके जा दादा, भलके हैं आप, कैसे लोगों ने अपने आपको एडजस्ट किया इतनी छोटी जगह में, और इसके नीचे से सामान भी है, स्पीकर से ये टेंट का सामान है। अब ये एक बहुत बड़ी वो होगी कि कल ये स्पीकर बजेंगे या नहीं बजेंगे, बजेंगे बजेंगे, और बसंती नाचेगी स्पीकर में, और ये है यहाँ बिहार की बसंती, आप देख सकते हैं ये कमली है। तो गाइस अभी हम अदरस्त में घर पे पहुँच के,
मिलते हैं आपसे। ओके सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को, फुल सपोर्ट शेयर कमेंट जो मन में आए वो कर, दबा के लाइक कर दे, जय महाकाल, जय महाकाल, 1 मिलियन कमेंट हो गए, 10 कमेंट एक जना लाइक करो, कमेंट करो, जय बाबा की बहुत बड़ी रिपोर्ट, लाइक करें बाकी सब कुछ करें, लाइक करो कमेंट करो, जय बाबा की जय, 1000 सब्सक्राइब आ गए। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं घर पे और सारे लौंडे मोड़े अपने घर चले गए और सामान वामान हमने छोड़ दिया था सही सलामत वहां पे और काफ़ी मस्ती की, चिल किया और एंजॉय किया। ऐसे रोज लौंडे मोड़े जब इकट्ठे होते हैं तो ऐसे मस्ती मजाक करते हैं। और अगर आपको मतलब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा ब्लॉग का, और अगर कोई चीज़ बुरी लगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई चीज़ बुरी है मैंने जो उसमें डाला है अपने ब्लॉग में। ओके गाइस तब तक के लिए बाय, अभी ब्लॉग एंड करते हैं और मिलूंगा आपको मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू और बाय। जवानो दिल न लगाना है दीवानो, मैंने यार तो होना ही था।